मुत्तु क्या हो गया? भाभी टेंपल के सीढ़ी पे पैर रखते ही मेरा 11 रुपए दक्षिणा मांग रहे थे, मैंने 51 रुपए में मना लिया। पंडित जी ये जी क्या बात करता थी वो इधर शाम भैया तो ऑफिस में जाऊंगी। अच्छा नहीं लाया जबरदस्ती आया। अभी काम करती हुए बातों में लगा के रख, मैं पूजा को लेकर भागता हूँ। भाग जा भाग जा जाग जा जाग जा भाग जा गोपाला रे गोपाला भाग जा रे भाग जा। वेलकम टू अपने भाई का व्लॉग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। तो गाइज आज मैं पहुंचा हूं जयपुर के कनक बाग में। गाइज 1996 के अंदर वो एक सुपर हिट फिल्म आई थी साजन चलिए ससुराल। बेसिकली इस फिल्म के अंदर वो हमें देखने को मिले थे गोविंदा सर, करिश्मा कपूर और तब्बू सालिस मैम देखने को मिले थे। गाइज बेसिकली फिल्म के अंदर वो कुछ इस प्रकार के सीन आते हैं जब गोविंदा सर और करिश्मा कपूर मैम से शादी करने के लिए जिस मंदिर के अंदर आते हैं और उसी वक्त उस मंदिर के अंदर जो उनका साथी दोस्त रहता है गोविंदा सर का वो तब्बू मैम को लेके आ जाता है। तो फिर वो यहाँ से करिश्मा कपूर और गोविंदा सर यहाँ से भागते हैं दोनों, तो उनकी धोती खुल जाती है और फिल्म के गए सारे सीनों बेसिकली यहीं से शूट किए गए। आज मैं पहुँचा हूँ जयपुर के कनक बाग में। कनक बाग के अंदर ही यहाँ पे नटवर जी का मंदिर है, इसी मंदिर के अंदर वो फिल्म के सारे सीन शूट किए गए हैं। तो गए आज की इस वीडियो में देखते हैं किस प्रकार से वो साजन चले ससुराल फिल्म के वो सीन यहाँ पे शूट किए गए थे। तो गए आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल पर आप पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज अभी हम चल रहे हैं नटवर जी के मंदिर में और यहाँ जस्ट पास में वो कनक बाग है और यहाँ पे पास में राधा माधव जी का मंदिर है। लेकिन जो फिल्म के अंदर सीन दिखाए जाते हैं ना जब यहाँ पे गोविंदा सर की शादी होती है और जो यहाँ पे वो तब्बू मैम को लेके आता है उनका दोस्त, तो वो सारे सीन इसी मंदिर से दिखाए जाते हैं। और यहाँ पे गाइज काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग हो चुकी है, उन सभी की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डाली हुई आप जाके देख सकते हो। तो गाइज अभी इन सीढ़ियों की मदद से अपन ऊपर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे वो किस प्रकार से साजन चले ससुराल मूवी के यहाँ पे सीन शूट किए हुए हैं, किस प्रकार से यहाँ पे गोविंदा सर की शादी हुई थी। तो गाइस अभी ऊपर चलते हैं फाइनली। तो गाइस एक सीन को ना वो यहाँ से दिखाया जाता है जो आप ये देख रहे हो ना पीछे यहाँ पे दीवार और पीछे जो आपको गार्डन दिख रहा है वो गाइस बेसिकली कनक बाग है। और यहाँ पे जस्ट दीवार के पास में उनकी वो वाइट कलर की कार खड़ी रहती है गाड़ी, और यहीं से ना वो तब्बू मैम और उनका जो साथी रहता है ना मुत्तू स्वामी वो यहाँ पे आते रहते हैं दोनों। वो यहाँ पे मुत्तू स्वामी जोर जोर से चिल्लाता रहता है गोविंदा गोपाल आ रहे भाग जा ऐसे करके वो आते रहते हैं। और तब्बू मैम और बेसिकली मुत्तू हो गए इन्हीं सीढ़ियों की मदद से आते रहते हैं जिसमें आप परफेक्ट और दीवार का नज़ारा मैच कर सकते हो। और गाड़ियाँ ना गई देखो परफेक्ट हो यहीं पर खड़ी रहती है और पीछे अपने को कनक बाग का भी नज़ारा देखने को मिलता है। तो एक सीन को ना यहाँ से दिखाया जाता है, तो एक सीन को ना गई यहाँ से दिखाया जाता है जिसमें आप ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो ना परफेक्ट वो मैच कर सकते हो। वो दोनों यहाँ पे बातचीत करते हैं, वो तब्बू बोलती है कि क्या बोल रहे हो भाग जा, तो मुत्तू स्वामी बोलते हैं भाग जा नहीं जाग जा जाग जा। तो सीन को गाइस परफेक्ट यहीं से दिखाया जाता है जिसमें आप ये डिज़ाइन और परफेक्ट मैच कर सकते हो। तो गाइस एक सीन को यहाँ से दिखाया जाता है। तो गाइस अभी आगे चलते हैं मंदिर के अंदर। नटवर जी का मंदिर है बेसिकली ये राधा कृष्ण जी का, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जयपुर का सबसे पुराना मंदिर बताया जाता है। तो गाइस आप भी यहाँ पे दर्शन कर लीजिए राधे राधे। तो गाइस एक सीन को ना यहाँ से दिखाया जाता है जब यहाँ पे करिश्मा कपूर और गोविंदा सर और पंडित जी खड़े रहते हैं उनकी शादी कराते रहते हैं, तो अपने को परफेक्ट यही नज़ारा देखने को मिलता है जिसमें आप ये परफेक्ट जो अंदर देख रहे हो ना यहाँ पे नटवर जी की मूर्ति रखी हुई है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की, वो आप देख सकते हो। यहीं से वो अपने वो सीन दिखाया जाता है जिसमें यहाँ पे वो गोविंदा सर और करिश्मा कपूर मैम खड़े रहते हैं और उसके बाद में पंडित जी उनके यहाँ पे शादी कराते हैं तो वो यहाँ पे फेरे लेते हैं। तो गाइस देखो परफेक्ट अपने को यही सीन देखने में मिलता है जिसमें आप मैच कर सकते हो। उसके बाद हो गया जी एक सीन के अंदर यहाँ पे मुत्तू स्वामी आ जाता है, वो यहाँ से चिल्लाते चिल्लाते, तो एक सीन के अंदर देखो यहाँ से दिखाया जाता है यहाँ पे वो गोविंदा सर और मुत्तू स्वामी खड़े रहते हैं परफेक्ट इसी पिलर के पास में। आप मैच कर सको बोलते हैं तू यहाँ पे दिव्या को क्यों लेके आया, तो वो बोलते हैं कि तू अब है ना दिव्या को बातों में उलझा के रख, मैं इतने में पूजा को लेके भागता हूँ। तो यहाँ पे उनकी बातचीत होती है और उसके बाद में एक सीन के अंदर ना देखो यहाँ से वो देखते भी रहते हैं गोविंदा सर, तो वो सीन है ना यहीं से दिखाया जाता है जिसमें परफेक्ट आप ये डिज़ाइन मैच कर सकते हो। इसी पिलर के पास है ना वो चुपके से देखते रहते हैं तब्बू मैम को गोविंदा सर, तो वो सीन यहीं से दिखाया जाता है। उसके बाद एक सीन के अंदर यहाँ पे वो तब्बू मैम को देख लेते हैं गोविंदा सर, तो अचानक से पीछे मुड़ते हैं और इतने में गोविंदा सर की यहाँ पे धोती खुल जाती है, तो धोती उठाते हुए जाते हैं। तो गाइस वो सीन परफेक्ट यहीं से दिखाया जाता है जिसमें परफेक्ट आप पीछे पहाड़ों का नज़ारा ये यहाँ पे मंदिर का नज़ारा मैच कर सकते हो रेलिंग का, तो एक सीन को यहाँ से दिखाया जाता है। तो गाइस मैं आपको पीछे चल के पूरा मंदिर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। तो ये है देखो यहाँ पे नटवर जी का मंदिर। कभी गाइस आप जब कभी भी जयपुर आए ना तो एक बार भाई की रिक्वेस्ट पे इस मंदिर में आके जरूर जाएं, यहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ही अच्छा नज़ारा है कनक घाटी का।
उसके बाद में यहाँ पे हो गए गोविंदा सर और कृष्णा कपूर जल्दी जल्दी इस मंदिर के अंदर शादी करते हैं, फेरे लेते हैं और गए जो आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हो ना, इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर से फिर वो दोनों यहाँ से भागते हैं। तो गए यहाँ पे कृष्णा कपूर में वो जोर जोर से चिल्लाती हैं कि धीरे चलो बाबा धीरे चलो मैं गिर जाऊँगी, और यहाँ पे गोविंदा सर वो अपनी धोती संभालते हैं। यहाँ पे हो गए बेसिकली गोविंदा सर की धोती भी है ना वो खुल जाती है। तो गए दोनों परफेक्ट इन्हीं सीढ़ियों की मदद से वो जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं और गए जो आप दीवार देख रहे हो उसके पास में उनके यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है, तो वो दोनों यहाँ से गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। तो गाइस उनकी गाड़ी यहीं पे खड़ी रहती है और गाइस इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर से बेसिकली गोविंदा सर और कृष्णा कपूर को लेके भागते हैं यहाँ से। उसके बाद में गाइस एक सीन के अंदर यहाँ पे वो दिव्या बोलती है कि मैंने अभी उनको देखा, तो मुत्तुस्वामी बोलते हैं कि भैया तो ऑफिस में है ऑफिस में। तो फिर यहाँ पे दिव्या मैम को गुस्सा आ जाता है, इतने मुत्तुस्वामी बोलता है चलो भाभी पूजा कर लेते हैं, तो दिव्या मैम को गुस्सा आ जाता है, वो पूजा की थाली मुत्तुस्वामी के हाथ में दे देती है, बोलती है तुम ही करो पूजा मैं तो अभी घर जा रही हूँ। तो यहाँ से नाराज़ होकर मुत्तुस्वामी के हाथ में पूजा की थाली देके वो भी इन्हीं सीढ़ियों की मदद से वो यहाँ पे तब्बू मैम चली जाती हैं। तो गाइस वो सारे सीनों बेसिकली इसी मंदिर से दिखाई जाती है और इसी मंदिर के अंदर वो गोविंदा सर की कृष्णा कपूर के साथ शादी हुई थी। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। गाइस आई होप कि गाइस आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लग गया तो इस मिनट के लिए एक लाइक और चैनल आप पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।